नहीं डाला, क्योंकि नैब एक टेरर एक ऑर्गेनाइजेशन रही है टेरराइज करने के लिए, क्योंकि इसमें सियासतदानों ने काम किया था, क्योंकि सियासतदान हमारे करप्शन को करप्शन तो समझते नहीं है। होते हैं, मैं मतलब बड़े अरसे बाद ना मुझे ना इनकी बातें सुनकर डिप्रेशन हुआ है। हालांकि हम भी इतने स्कैंडल करते हैं, स्टोरीज करते हैं, मतलब हम भी वो क्या कहते कसाई की तरह, हम भी थोड़े से रोज़ का लहू बहता देख के हमारे ऊपर भी असर नहीं होता, खाल मोटी हो जाती है हमारी। लेकिन मुझे जब ये बात कर रहे थे तो मुझे ना एक तरह का स्ट्रेस फील हुआ है कि इस मुल्क के साथ क्या यहाँ पे वो क्या कहते हैं, मैं कोई लफ्ज़ कोई अच्छा ढूंढना चाहता हूँ, इस मुल्क के साथ खेल क्या खेल रहे हशर हैं। किया गया है। एक और हिंदी का लफ्ज़ आ रहा है वो मैं नहीं यूज़ करना चाहता, जो वो यूज़ करते होते हैं कि अगेन के यहाँ लोगों के साथ या मुल्कों के साथ क्या कुछ होता होता है। बहरहाल बलात्कार कहना चाह मैं रहे हो, ये कहना चाह रहा, मुझे मैं नहीं भी पता कहना है, चाह रही थी लेकिन मुझे पता मैंने था नहीं बट कहा दैट्स व्हाट आई मैंने ये रोक जान रखा हुआ था, चले कर आपने कह दिया। सो कहने का मतलब ये है, अब इस मुल्क की आप ट्रेजिडी देखें जो आमिर साहब ने किया है, दो चार चीज़ें मैं इसमें से देखूँ, मेरे बाकी कानों से धुआं निकला है मैं इनकी सारी डिटेल सुनते हुए। आई एम शॉक्ड, आई एम ए बिट डिप्रेस्ड, जो मैंने अक्सर नहीं होता, हम रोज स्कैंडल करते हैं, हमारे लिए कोई नई बात नहीं रहे, जब बेस हो जाते हैं हम भी। तीन चार चीज़ें इसमें बड़ी अहम है। जिस बंदे ने आग 1 महीने पहले कंपनी रजिस्टर करवाई वहां पे, उसमें ये मेरा ख्याल अप्रैल में या मई में कंपनी उसने रजिस्टर करवाई और जाके जनरल अमजद से उसने मुलाकातें करके, बिकॉज ही हैपेंस टू बी द वो उसके क्या कहते हैं सन इन लॉ ऑफ ए जनरल अकबर, नहीं वो बता रहे हैं जो अकबर, नईम अकबर, एक यहाँ मेजर जनरल साहब का सन इन लॉ है, ये खुद भी इनका मिलिट्री बैकग्राउंड है, वैसे लेफ्टिनेंट जनरल, अच्छा खुद जो मसूफ जो है ना तारिक फवाद मलिक, इनका भी मिलिट्री बैकग्राउंड है, बहुत शायद कम लोगों को पता होगा, ये मुझे जो मेरी इतला है ना, इस पर कोई इस पर मुझे क्रेडिट कर सकता है। वो जाते हैं, एक मेजर जनरल का दामाद है वो जाता है, एक और वहां पे एक आपके सर्विंग वहां बैठे हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल बैठे हुए हैं जनरल अमजद, 1 महीना पहले कंपनी बनती है, महीने बाद वो मुलाकात करके उनके साथ डील हो जाती है, ये जाके अमेरिका विजिट भी कराते हैं जनरल अमजद साहब, और वापस आके वो कहते हैं जी कमाल का इनके पास सेटअप है, बला बला हो गया मान लिया। अब यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, आमिर साहब ये बता रहे हैं, अब उनकी कंपनी है, जरा जहन में रखें, तारिक फवाद मलिक साहब जो है उनकी कंपनी है, वो बता रहे हैं कि तारिक फवाद मलिक ने कैसे लूटा है लोगों को, कितने फ्रॉड्स किए हैं, नैब ने जो इनका पार्टनर था, जरा जहन में रखें, जिनके साथ डील की थी वो फ्रॉडिया साबित हो गया, उस पर रेफरेंस फाइल हो चुका है, उसके बावजूद इन्होंने उसी कंपनी के साथ सेटलमेंट की और $1.5 मिलियन जो है तारिक फवाद मलिक के अकाउंट में नैब ने ट्रांसफर किया है। आमिर साहब आप जरा इसमें डेलिकेट चीज जरा देखें, जो मुलजिम है जिसके खिलाफ ये रेफरेंस फाइल कर चुके हैं, जिस पे ये फ्रॉड्स आ चुके हैं, जो इनका पार्टनर था, जिनका ब्रॉड शीट के साथ इनका केस चल रहा है और सारे केसेस और पैसे जैसे लूट के फरार हो गए हैं, वहां पे वो जो आपका वो जेरी है जेम जेरी एक वहां से अथॉरिटी लेटर लिखता है कि पैसे मुझे ना दें, $1.5 लाख ये तारिक फवाद मलिक को दें, नैब के उन अफसरों को पकड़ना चाहिए, ये कौन पकड़ेगा, नहीं पकड़े जाएंगे ना, चोर तो सारे वहां पे बैठे हुए हैं, नैब में बैठे हुए हैं, इनसे पूछें कि जो आपका फ्रॉड स्टोर है जिस पे रेफरेंस है, जो दौड़ा हुआ है, जो मुलजिम है, प्रोक्लेम ऑफेंडर है, उस पे किस तरह से उसके साथ आपने डील कैसे की है, ये एक नंबर, आपने उसके अकाउंट में यहाँ $15 लाख कैसे ट्रांसफर किया है जिस पे केसेस आपने खुद बनाए हुए हैं, इसके बाद मुझे डिप्रेशन ना हो आपका ख्याल है, और ये जर्नल बैठे हुए थे नैब में, मोस्टली 90% आपका ब्यूरो जो है सारा हमारे फौजी भाई बैठे हुए थे उस वक्त के जनरल मुशर्रफ दौर, ये उनके दौर में सारी चीजें हो रही, हम सिविलियन को रोते हैं, प्रोक्लेम्ड डिफेंडर है, और वो आपने सही याद कराया कि उन्होंने कहा कि बाकी पैसे उसको याद दे दें, याद किसने रिसीव किए, इसी तारिक फवाद मलिक को दिए गए हैं पैसे, $15 लाख जो है नैब ने इनको दिया है, तारिक फवाद मलिक जो मुलजिम था फ्रॉड स्टार जिसमें रेफरेंस है इनका, यार इसके बाद मुझे डिप्रेशन ना हो मेरे साहब, आप बताएं, खुद सेटलमेंट में भी इन्वॉल्व होते हैं, नैब उन्हीं को पैसे भी देती है, उन्हीं से सेटलमेंट भी करवाती है, क्लास साहब इस तरह से तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नैब के ऊपर आ जाता है कि वो डूबियस कैरेक्टर में आ जाती है। नैब पे ना कभी किसी ने हाथ नहीं डाला, क्योंकि नैब एक टेरर एक ऑर्गेनाइजेशन रही है टेररराइज करने के लिए, क्योंकि इसमें सियासतदानों ने काम किया था, क्योंकि सियासतदान हमारे करप्शन को करप्शन तो समझते नहीं है, अपने इनके पास इंस्टीट्यूशन थे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को तबाह बर्बाद किया कि वो एक्टिव होती ताकि सियासतदानों का अकाउंटेबिलिटी एक लीगल तरीके से होती, आपको जो FIA एक इदारा था इनका वहां पे ये कर सकते थे प्रोसिक्यूशन, एंटी करप्शन है, पुलिस है, तबाही की है, तो बर्बाद अपना इन्होंने टाउट लगा दिया वहां पे, आपको पता है हर तो ये दूसरा पुलिस अफसर लगने को तैयार है कि आप हमें ओहदा दें, हम यहाँ बंदे मारने को तैयार हैं, तो हर जगह उन्होंने अपने टाउट उन्होंने लगाए, कोई अफसर तो लगे नहीं है, एक दो अफसर अच्छे आ भी गए कि उन्होंने रजिस्ट भी किया कुछ करने की तो उठा के बाहर फेंका इन्होंने, क्योंकि वो तो पूरा मुल्क आके उन लोगों को बर्दाश्त नहीं करता, सो हर जगह लग गए टाउट, तो लोगों ने कहा भाई साहब आप तो मिल गए एक दूसरे के साथ, एसाब सेल बनाया नवाज शरीफ साहब ने, वो सिर्फ बेंच भुट्टो जरदारी के लिए बना था, उस पर उन्होंने 30 करोड़ रुपए लगा के सारे एविडेंसेस इकट्ठे कर लिए थे,
सो लोगों को लगा कि यहाँ तो कोई आपका आपका इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, तो फिर इसकी डिमांड पैदा हुई कि नायब होना चाहिए। नायब बड़ा पॉपुलर हुआ, जना मुशरफ साहब लेके आए, हम वो ये आमिर साहब जो कहते होते ना उमर शेख साहब के, सब फड़े जान गए सब फड़े जान गए, उन्होंने कहा नायब सब नू फड़ेगा, बिल्कुल फड़ो जी, उसकी जरूरत पेश आई। अब नायब पे कभी किसी ने हाथ नहीं डाला, नायब ने चिट्टा किया, काला किया, अच्छा किया, बुरा किया, क्योंकि लोग सियासतदानों के करप्शन से आए हुए थे तंग। उन्होंने जिस पे हाथ डाला उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आप लोग तो गलत कर ही नहीं सकते। नायब में 3-4 बड़े बड़े यहाँ क्राइम्स हुए हैं जो नायब ने इग्नोर किए हुए हैं। मैं इनकी कंपनी को तस्लीम कर लेना, उनका इनको बड़ा सर्टिफिकेट देना कि बहुत बड़े नेक ईमानदार लोग हैं, उसमें क्लास रखना 4.1 के आपका हिस्सा पाकिस्तान में भी होगा, और प्लस उसका नायब के अफसरान का फिर उसको डील करके $15 लाख दे देना। और मैंने अभी उसको दोबारा पढ़ूंगा, एक और शक मेरे जहन में खड़ा कर दिया आमिर साहब ने कि जिसमें ये विटनेस के तौर पर किया है, ये नायब का विटनेस किया है या ब्रॉडशीट का शीट का इसको विटनेस के तौर पर लिया। अगर ये नायब का विटनेस है अपने मफरूर को, अपने मुलजिम को, इन्होंने कैसे वहां विटनेस के तौर पर विटनेस होता तो क्रॉस एग्जामिन करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि ये सो जो पेमेंट की गई $15 लाख की तारिक फवाद मलिक की जो मुलजिम है मफरूर है, तो मुझे कोई शक नहीं रहा कि नायब इसी में से नायब के अफसर निकलेंगे, इसी में से नायब खुद निकलेगा। ये मैंने सिर्फ आपको इनकी एक वारदात बताई। यहाँ पे नायब के अफसरान ने इसे आपको इकबाल जेड अहमद के साथ मिल के सर जो इनका मुलजम था उसको इन्होंने बिजनेस पार्टनर बनाया। 3 चेयरमैन थे नायब के जिनको उसने एलपीजी के कोटे दिए, जिन्होंने प्ली बार्गेन की, वहां पे अफसरान जो बैठे थे उनको कोटे दिए। नायब में इतनी बड़ी करप्शन, इन्होंने बिल्डिंग बनाई थी सर आपको याद हो रेडियो पाकिस्तान के साथ, उसमें बहुत सारी करप्शन हुई है। नायब के किसी बंदे को हाथ नहीं लगा, ये ब्रॉडशीट के साथ डीलें कर लें, ये अरबों खरबों के मामलात आगे पीछे कर दें, एक बार जेडएम से डील कर, जो मुलजम था वो बिजनेस पार्टनर है ये नायब के चेयरमैन का, जो नायब का मुलजम था वो नायब के चेयरमैन का, बाद में इनको एलपीजी कोटे दे के इनका पार्टनर ला के, ये आपकी नायब है जो पाकिस्तान में साफ कर रहा था। क्विकली जो है ना आज वो बड़ा ताना दे रहे थे फवाद चौधरी साहब जो है ना, अब वो बीच में मुझे लगता है कमेटी खास ग्रुप को बचाने के लिए जो है ना वो उसके लिए आए, वो ताना दे रहे थे कि जी मीडिया ने अपना रोल ये जरा दिखाएं, ये बता दें कि हमने अपना रोल पूरा किया, उनके कमी है वो सुनिएगा। आमिर साहब आपने एंड पे कहा इससे पहले भी बहुत दफा आप लोग रिपोर्ट पर चुके हैं, वो था कि ये हम अपना ड्यू डिलीजेंस जो हमारा रोल है करते रहे हैं, पर मैं अब आ जाता हूँ कि कंसिस्टेंटली बात ये है कि सारे ब्रॉडशीट के अंदर ये हर पार्टी अपने मुताबिक उसको तशरीह कर रही है और विक्ट्री का निशान बना रही है कि देखो ब्रॉडशीट जो है ना ये हमारे मुखालफिन के बारे में है। नहीं जनाब, ये सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं।